जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है, ठीक है। जैसे कि हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन्हें पता होगा कि जो है काफ़ी दिनों से जो है मेरी तबीयत वगैरह ख़राब चल रही है, ठीक है। अभी भी जो है मैं यहाँ पर विक्स की गोली वगैरह खाकर यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर कमेंट वगैरह आ रहे थे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। इससे पहले मैं भी जो है यहाँ पर थर्ड ईयर के यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, ठीक है। बीएससी थर्ड ईयर के यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार मैंने दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार मैं बीएससी प्रथम वर्ष के यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इस चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि यहाँ पर सभी विषय के यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होने वाले हैं। साथ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलिएगा, ध्यान से आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सभी इकाई के यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है बीएससी थर्ड ईयर के यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, चूँकि लगभग जो है 90% यहाँ पर प्रश्न पेपर में पूछे गए थे। तो उम्मीद है यहाँ पर जो है बीएससी प्रथम वर्ष में भी यहाँ पर सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबी होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। अगर क्वालिटी आपको जो है यहाँ पर पसंद नहीं आ रही है और आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो कृपया आप थोड़ी सेटिंग से अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है क्वालिटी थोड़ी कम ही नज़र आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर जंतु विज्ञान बीएससी प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, चूँकि राजा शंकर सा यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आ जाते हैं इकाई एक की बात कर लेते हैं। लघु एवं दीर्घोत्तरी प्रश्न यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी चाहिए आंसर सही, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ चलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न, द्विनाम पद्धति पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। द्विनाम पद्धति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। काफ़ी बार यहाँ पर जो है द्विनाम पद्धति पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है द्विनाम पद्धति, तो इसे याद कर लेना, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो है ये प्रश्न पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो आपको जो है अच्छे तरीके से याद भी होगा, ठीक है। 11वीं 12वीं से तो आपको जो अच्छे तरीके से फिर भी आपको डिटेल से और ज़्यादा शब्दों में आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। जैसे कि बड़ी क्लास, तो आपको जो है ज़्यादा आपको लिखना भी यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है चौथे नंबर का, ठीक है। संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण करते हुए उसके प्रत्येक गण में पाए जाने वाले जंतुओं के उदाहरण दीजिए, यानी कि संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण करना है और उनके गण में पाए जाने वाले जंतुओं को उदाहरण आपको देकर समझाना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आ जाता है सातवें नंबर का, ठीक है। सातवें नंबर का यहाँ पर प्रश्न कौन सा है, संघ पोरिफेरा के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए तथा उदाहरण सहित वर्गों तक इसका वर्गीकरण करना है, ठीक है। संघ पोरिफेरा के यहाँ पर जो है विशिष्ट लक्षणों का वर्गीकरण आपको करना है, उदाहरण सहित आपको इसका वर्गीकरण भी आपको करना होगा पोरिफेरा का, ठीक है। और चित्र वगैरह अगर आपके आते हैं तो चित्र वगैरह बिल्कुल साफ आपको साफ साफ क्लियर यानी कि पेंसिल से आपको बनाना है, ठीक है। चित्र आपको बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है चित्र मेन रहता है, ठीक है। तो आपको चित्र वगैरह तैयार कर लेना है, तो संघ पोरिफेरा के विशिष्ट लक्षण आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगले यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर 11वें नंबर का प्रश्न, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। संघ सिलेंट्रेटा के लक्षण देते हुए वर्ग तक वर्गीकरण कीजिए, यानी कि संघ सिलेंट्रेटा के लक्षण लिखना है और इसका वर्गीकरण करना है, वो भी इनके वर्ग के भी यहाँ पर वर्गीकरण आपको करना होगा संघ सिलेंट्रेटा के, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है 11वें नंबर का, ठीक है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्न कुछ अलग टाइप के भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है कन्फ्यूज़ वगैरह
नहीं होना है, ठीक है। थोड़े अलग टाइप के अगर आपको पूछे जाते हैं तो आपको जो है समझ जाना है, ठीक है। इतने तो आप समझदार होंगे ही, ठीक है। यहाँ पर अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 12वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है, समुदाय प्लेटी हेलमेंथीस के प्रमुख लक्षण आपको लिखना है, ठीक है। समुदाय प्लेटी हेलमेंथीस के यहाँ पर प्रमुख लक्षण आपको लिखना है, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको तैयार करके जाना है, लक्षण वगैरह जो सरल भी होते हैं, तो आपको इन सभी को आपको जो है अच्छे तरीके से तैयार वगैरह करके चले जाना है। अगर आप परीक्षा सार से इन क्वेश्चनों को मिला रहे हैं तो आपको जो है पूरे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी प्रश्न बैंक से भी अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप इनके आंसर आसानी से ढूंढ ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 12वां प्रश्न, समुदाय प्लेटी हेलमेंथीस के प्रमुख लक्षण आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। संघ मोलस्का के लक्षण देते हुए वर्ग तक वर्गीकरण आपको इसका करना है, ठीक है। संघ मोलस्का के, ठीक है, इसका जो है चित्र वगैरह भी पूछ लेता है, ठीक है। संघ मोलस्का का लक्षण चित्र बनाते हुए लक्षण लिखिए, इस प्रकार आपको प्रश्न वगैरह पूछ सकता है। तो संघ मोलस्का के बारे में भी अच्छे तरीके से लक्षण वगैरह तैयार कर लेना, वर्गीकरण वगैरह, ठीक है। तो ये 16 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मोलस्का वाला, ठीक है। यहाँ पर अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 18वें नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आर्थ्रोपोडा संघ के विभेदी लक्षण एवं उदाहरण सहित वर्ग तक वर्गीकरण आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा संघ के, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद कर ही लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है बड़ी क्लास है तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्न याद करना है, ठीक है। ये लघु एवं दीर्घ किसी में भी ये प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, कम ज़्यादा करके, ठीक है। जैसे यहाँ पर आर्थ्रोपोडा के लक्षण लिखिए, इस प्रकार आपको जो है ये अति लघुत्री सॉरी दीर्घोत्तरी में पूछ लेगा, ठीक है, कि आर्थ्रोपोडा संघ के लक्षण लिखिए, उदाहरण सहित तो आपको समझाना है, वर्गीकरण करना है। ये आपको जो है दीर्घोत्तरी में पूछ लेगा, ठीक है। लघुत्री में आर्थ्रोपोडा संघ के लक्षण लिखिए, उदाहरण सहित समझाइए, इतना बस पूछेगा, ठीक है। तो आपको पूरा तैयार कर लेना है ताकि आपको जो है लघुत्री दीर्घोत्तरी किसी में भी आए आपको जो है आंसर आसानी से लिख सके, ठीक है। यहाँ पर उसी प्रकार जो है अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 19 नंबर का, संघ एनिलिडा के लक्षण का वर्गीकरण कीजिए एवं गण तक वर्गीकरण आपको इसका भी करना होगा, ठीक है। संघ एनिलिडा के लक्षण का वर्गीकरण कीजिए तथा गण तक वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा इनको जो है अच्छी तरीके से तैयार आपको कर लेना है, ठीक है। और ये थे इकाई एक के इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। अगर आप इतने प्रश्न अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो ये जो है इस इकाई से आपको जो है पास होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, इकाई एक से, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगली इकाई की यहाँ पर बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न की, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई दो पर आ जाते हैं हम, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर नहीं लिया है, वीडियो को देखना है पूरा, ठीक है। इकाई दो पर हम आ जाते हैं, तो इकाई दो के पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी लघु एवं दीर्घोत्तर प्रश्न की बात करेंगे, साइकान की लंबवत काट का केवल चित्र दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो साइकान है इसका लंबवत काट का केवल चित्र दीजिए, ठीक है। इसका जो है वर्गीकरण वगैरह पूछ यानी कि वर्णन भी पूछ लेता है, ठीक है। तो लंबवत काट का चित्र आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है सबसे पहले साइकान का, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है क्या, दूसरे नंबर का प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, साइकान की बाह आकृति का वर्णन आपको करना है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न, ठीक है, स्पंजों में विभिन्न प्रकार के नाल तंत्रों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, स्पंजों में विभिन्न प्रकार के नाल तंत्रों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अगला यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें, सातवें नंबर का क्या है, ओबेलिया कॉलोनी की संरचना पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। ओबेलिया कॉलोनी की संरचना पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट आ जाता है आठवें नंबर का, बहुरूपता क्या है, ओबेलिया के जीवकों
का वर्णन कीजिए, ठीक है, यानी कि बहुरूपता क्या है, अवेलिया के जीवकों का वर्णन कीजिए, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पर अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 11वें नंबर का प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ओवेलिया के मेड्यूसा पर संक्षिप्त में आपको जो है टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो मेड्यूसा पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना है, ओवेलिया के मेड्यूसा पर संक्षिप्त में टिप्पणी आपको तैयार करके चले जाना है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है 12वें नंबर का, सिलेंटेटा में प्रवाल एवं प्रवास भित्तियों के निर्माण का वर्णन कीजिए। 12वें नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 16 नंबर का प्रश्न, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पहले से भी याद होगा आपको, तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए और चित्र सहित आपको समझाना है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पहले से आपको याद भी होगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न तैयार कर लेना है लगे हाथ, मलेरिया के लक्षण एवं रोग से बचने के उपाय, ठीक है। तो आप जो इसे आप ऐसे भी यहाँ पर तैयार कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है वैसे, ठीक है। तो 17 नंबर का प्रश्न भी तैयार कर लेना है। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखने वगैरह आपको पूछ सकता है, ठीक है। उकाइनिट, ठीक है, उकाइनिट यहाँ पर दिया हुआ है, इनक्यूबेशन, ठीक है, और यहाँ पर पीरियड और स्पोरोगोनी और मलेरिया के प्रकार, इस प्रकार आपको टिप्पणी वगैरह पूछ सकता है। गेमिटोसाइटस, इन पर आपको जो है टिप्पणी पूछ सकता है किसी दो पर, ठीक है। तो इन्हें आपको जो अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयार कर लेना, ठीक है। टिप्पणी वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये टिप्पणी वगैरह आपको तैयार कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट प्रश्न इकाई दो का, ठीक है, प्रोटोजोआ एवं उसके द्वारा उत्पन्न रोग पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे, यानी कि प्रोटोजोआ पर जो है टिप्पणी लिख लेना है, ठीक है। उसके द्वारा रोग पर आपको निबंध लिखना है, यानी कि प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं उस पर आपको निबंध तैयार कर लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इकाई तीन के इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात कर लेते हैं। आप इकाई तीन के इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम प्रश्न है, तो इकाई एक पर जो है, इकाई तीन पर फर्स्ट प्रश्न, फेसियोला के नर तथा मादा जनन तंत्र का वर्णन आपको तैयार कर लेना है। और तीसरा प्रश्न, फेसियोला के जीवन चक्र को समझाइए, तीसरा प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पाँचवा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित के नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है, चित्र आपको साफ सुथरा बनाना है। तो फेसियोला, सॉरी, यहाँ पर लिवर फ्लूक का पाचन तंत्र का आपको जो है चित्र बनाना है, और यकृत फ्लूक की ज्वाला कोशिका आपको इस पर जो है नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है, यानी कि इसका आपको जो है चित्र भी बनाना है और थोड़ा बहुत आपको वर्णन भी करना है, ठीक है। तो इनको आपको जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर सातवां प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है, टोकोफोर लार्वा पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, टोकोफोर लार्वा पर आपको जो है टिप्पणी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो 9वें नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर केचुए में उत्सर्जन इकाई अंगों तथा उत्सर्जन की कायिकी का वर्णन आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। केचुए में उत्सर्जन इकाई अंगों तथा उत्सर्जन की कायिकी का वर्णन आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ 9वां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर 12वां प्रश्न, ठीक है, केचुए के पाचन तंत्र का वर्णन आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इनमें से जो है पक्का आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे तरीके से तैयार कर ही लेना है, ठीक है, क्योंकि आपके जो है तैयारी वगैरह पहले से भी हो ही चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, क्या फेसियोला हिपेटिका वर्गीकरण दीजिए तथा इसकी संरचना एवं स्वभाववास स्थान का विस्तृत में जो है आपको वर्णन यहाँ पर करना है, ठीक है। फेसियोला
हिपेटिका का वर्गीकरण दीजिए तथा इसकी संरचना एवं स्वभाव वास स्थान का विस्तृत में आपको जो है वर्णन यहाँ पर करना है, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है क्या, इकाई 3 का लास्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 17 नंबर का, ठीक है। केचुए के जननांगों का संचित्र वर्णन आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। केचुए के जननांगों का वर्णन करना है, ठीक है। इसके बाद इकाई 4 पर आ जाते हैं, इकाई 4 के इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है दूसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, प्राण के उपांगों का वर्णन कीजिए, ठीक है। प्राण के यानी कि प्राण के उपांगों का वर्णन आपको करना है, ठीक है। बाह्य संरचना भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर पाचन तंत्र, यानी कि आपको जो है यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि झींगा की बाह्य संरचना, ठीक है, उपांगों का वर्णन और पाचन तंत्र का वर्णन आपको तैयार कर लेना है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पर प्रश्न आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न है, ठीक है। प्राण के उत्सर्जित तंत्र का वर्णन आपको तैयार करके चल जाना है और प्राण का नामांकित चित्र यानी कि यहाँ पर नामांकित चित्र प्राण के तंत्रिका तंत्र का चित्र आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है क्या 13वें नंबर का प्रश्न, पायला के पाचन तंत्र का संक्षिप्त में वर्णन आपको तैयार कर लेना है, चित्र सहित आपको पायला के पाचन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन आपको तैयार कर लेना है और चित्र वगैरह साफ साफ आपको बनाना होगा, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है क्या 14 नंबर का, पायला के श्वसन तंत्र का चित्र सहित वर्णन आपको करना है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट, पायला के तंत्रिका तंत्र का वर्णन आपको कर लेना है तैयार, और इस इकाई से जो है इतने ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। और आपको एक प्रश्न और तैयार कर लेना है, पायला के नर तथा मादा जनन अंगों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको जो 17 नंबर का जो प्रश्न दिया है, पायला के नर तथा मादा जनन अंगों का वर्णन कीजिए, तो इसको भी आपको जो तैयार कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट इकाई आ जाता है, चूँकि यहाँ से 3 ही प्रश्न हैं तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर जो है फर्स्ट सेकेंड दोनों को तैयार कर लेना है, सितारा मछली की बाह्य रचना का वर्णन आपको तैयार कर लेना है, और दूसरा क्या है जल परिवहन तंत्र का वर्णन कर लेना है, ठीक है। सितारा मछली का जल परिवहन तंत्र का वर्णन कर लेना है, मतलब 1-2 इन दोनों को तैयार कर लेना है, और यहाँ पर 4 बेलेनोकुलोसस की सामान्य रचना का वर्णन करते हुए बंधुता को आपको समझाना है, ठीक है। बेलेनोकुलोसस की सामान्य रचना का वर्णन करते हुए बंधुता को समझाइए, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक प्रश्न बेलेनोकुलोसस का जो है तंत्रिका तंत्र पर टिप्पणी लिखी है, ठीक है। यहाँ पर इतने ही प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। पहला, दूसरा, 4th और 6th प्रश्न आपको तैयार कर लेना इकाई 5 का। तो ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, बीएससी प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, चूँकि जंतु विज्ञान के थे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर लाना है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, साथ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों भाइयों को शेयर कीजिएगा जो भी स्टडी कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।